मनोज देव की वजह से आज जो मेरी अर्निंग है यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ मनोज देव की वजह से जो अर्निंग मेरे यहाँ पर बढ़ चुकी है। और ऐसा उन्होंने एक ऐसा ट्रिक बताया था एक वीडियो में, मैंने उस वीडियो को उनके फॉलो किया और आज जाके ये जो मेरी अर्निंग है यूट्यूब चैनल की अर्निंग है वो स्टार्ट हो रही है। हालांकि अभी मेरे वीडियोस पे जो है व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन मेरा जो है मिक्स कैटेगरी में चला गया है, मेरा जो चैनल है मिक्स कैटेगरी कंटेंट का चैनल हो गया है, इसीलिए मेरे पास व्यूज कम आते हैं। बट जितनी भी अभी अर्निंग होती है वो उन्हीं की बताए हुए ट्रिक पे होती है। दोस्तों आखिरकार मनोज देव ने ऐसा क्या बताया मुझे क्या मतलब उस वीडियो में बताया है, लोगों को शायद ना समझ में आया हो लेकिन मुझे वो समझ में आया, मैंने उनकी ट्रिक को फॉलो किया है और आज उन्हीं की वजह से जो है कुछ अर्निंग जो है मेरे YouTube चैनल पे हो पाई है। तो मैं उस अर्निंग से जो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये ट्रिक जो है वो बता देनी चाहिए कि ऐसी आखिर कौन सी ट्रिक है मनोज देव की वजह से जो मेरी अर्निंग हुई है। आज जो मनोज देव की वजह से आज जो मैं पैसे कमा पाया हूँ वो सिर्फ मनोज देव की वजह से है। तो मनोज देव ने ऐसा कौन सा ट्रिक बताया दोस्तों, वो सब इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर आप मनोज देव के फैंस हैं तो कमेंट्स में एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और मनोज देव के जो फ्रेंड नहीं है वो भी मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आखिरकार उन्होंने इस ऐसी कौन सी ट्रिक बताई, ऐसी उनसे कौन सी वीडियो है जिससे मैं मोटिवेट हुआ और मैं अपने इस चैनल पर जो है अर्निंग कर पाया हूँ दोस्तों। तो अर्निंग यहाँ पर देख ही सकते हैं आप दोस्तों, कुछ ना कुछ जो पैसे वो बन ही रहे हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो आखिर वो कौन सी ट्रिक है दोस्तों जो मनोज देव ने मुझे बताया, तो मनोज देव ने भाई ने एक ट्रिक बताया था, उनकी कोई एक वीडियो वायरल थी तो उन्होंने बताया कि अगर आप उसी टॉपिक की कोई भी वीडियो बनाए हो, 2-3-4 बनाए हो, रिसेंटली में भी आप बनाना चाहते हो, तो जो मोस्ट वीडियो आपकी वायरल है उसमें आपको एंड स्क्रीन में लगाना है। इंड स्क्रीन का मतलब समझते हो, जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो 1-2-3 वीडियो आ जाएंगी मेरे इसी वीडियो में लग जाएगी, वो आप देख सकते हो। और एक होता है आई कार्ड, आई कार्ड्स में भी वो वीडियो लगा दीजिए। तो मनोज देव भाई की मैंने उस वीडियो को मैंने देखा तो मैंने सोचा यार ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे छोड़ो, फिर मैंने क्या किया 2 महीने छोड़ दिया, मतलब कि मैं लगाया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर बताते रहते हैं। लेकिन भाई साहब फिर मैंने एक दिमाग लगाया, मतलब भाई के उस बात को मैंने गौर किया, उसको एकदम पूरा सीरियसली लिया, तो मैंने क्या किया जो मोस्ट वीडियो मेरी वायरल थी उस पर मैंने क्या किया उसी टॉपिक की 3-4 वीडियो मैंने लगा दिया। तो 3-4 वीडियो जैसे ही मैंने लगाया, 1 महीने बाद 1 हफ्ते बाद मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई साहब वो वीडियो ऑटोमेटिकली जो है ग्रो होगी। इसके बाद क्या हुआ कि जब उस वीडियो पे बंदे आने लगे, जैसे कि आई बटन से आए, आई का इंड स्क्रीन से आए, तो मैंने देखा कि वो वीडियोस की जो सजेस्ट और कंटेंट जो सर्च लिस्ट में वो आने लगी। इससे क्या हुआ मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और मेरी अर्निंग भी होने लगी दोस्तों। तो ये मनोज देव भाई ने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था, लोग अभी इस पर शायद इग्नोर कर देंगे और आप लोग भी शायद इग्नोर कर दोगे, नहीं लगाओगे। भाई साहब मैं आपको 100% कह रहा हूँ, जो आपकी मोस्ट वीडियो वायरल है या अभी रिसेंटली में चल रही है, अगर आप उसी टॉपिक कई वीडियो बना के भी रखे हो या बनाना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर इंड स्क्रीन में और आई बटन में ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो आज जो मेरी इनकम है, आज जो मेरी जो इनकम सोर्स हुई है वो सिर्फ आई बटन और आई कार्ड इंड स्क्रीन की वजह से हुई है दोस्तों। तो मनोज भाई ने बहुत ही कमाल का ट्रिक बताया था, आज मैंने उनकी बातों को जो है उस समय फॉलो नहीं किया था 1 महीने बाद, लेकिन फिर मैं दोबारा रिटर्निंग गया, वहां पर फॉलो किया उनकी बातों को कि एक बार चलो लगा के देख लेते हैं दोस्तों। तो फाइनली जो है उसकी वजह से जैसे मैंने इंड स्क्रीन लगाया और आई बटन लगाया, जो मेरी वीडियो जो वायरल थी, तो जब वीडियो को लोग ये वाली भी वीडियो देखने लगे तो यूट्यूब ने खुद उसको मतलब सजेस्ट किया लोगों के पास और भी उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती गई, ग्राफ उसका जो है बढ़ता गया दोस्तों। ये सारा ग्राफ और आई बटन में कैसे क्या कितनी अर्निंग हुई आई बटन से इंड स्क्रीन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो जल्दी ही आने वाला है, मनोज देव भाई की वजह से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि मनोज देव भाई की वजह से इतनी अर्निंग हुई। हालांकि इस वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि मनोज देव भाई की वजह से एक जो ट्रिक है उनकी, मैंने उनकी ट्रिक को फॉलो किया और आज जो मैं अपने चैनल पे जो सक्सेस पाया हूँ सिर्फ मनोज देव भाई की वजह से है। थैंक यू सो मच मनोज देव भाई, ऐसी ट्रिक एंड टिप्स देते रहिए। लेकिन कई कई बार आप जो है अलग वेबसाइट पे ले जाते हैं, गेमिंग वगैरह खिलाते हैं, तो वो प्लीज़ मत करा करिए, आपके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि देखिए आपने कई बार गेमिंग का एप्लीकेशन बना देते हो तो आप उस पर लिख देते हो स्टूडेंट ऐसे कमाई करे, तो स्टूडेंट भैया मनोज देव भैया पढ़ते हैं यार, वो गेम खेल के आप उनको अगर ऐसे कराओगे तो वो गलत चीज़ हो जाएगा।
तो बाकी आपको ये बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ट्रिक की वजह से मैंने और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मनोज देव भाई की जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक है, जो आप किंग हैं यूट्यूब के, आपको जो ट्रिक देते हैं यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, बहुत सारे जो सोर्स आप बताते हैं वो गुड है, अच्छा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।